डायबिटीज़ एक क्राइसिस की सूरत इख्तियार कर गई है मुल्क में, इस बढ़ती हुई वबा को भी एक एमरजेंसी समझना चाहिए। इसी तरह हमें इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसलिए कि अगर ये शरह इसी रफ्तार से बढ़ती रही, यकीन मानिए 1998 में 8% से लेकर 20 सालों के बाद 2018 में 26% मरीज़ हो गए हैं शुगर के, अगर इसी रफ्तार से शरह बढ़ती रही तो हम एक अनहेल्दी लोगों की नेशन बन जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये मुस्तकबिल का एक ऐसा चैलेंज है जिसका मुकाबला करने के लिए अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होते तो ये हमारी पूरी कौम को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा, और वो कौम जो फिज़िकली अनहेल्दी हो वो अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें भी लैक कर जाती है, और उसके बाद दुनिया की कौमों के अंदर वो पीछे रह जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बढ़ती हुई डायबिटीज़ और मोटापे की वबा को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों के ऊपर इकदाम करें। हुकूमत के साथ साथ NGOs, जनरल पब्लिक, अहले खैर, मीडिया, इन तमाम का रोल है कि ये डायबिटीज़ के बारे में जो अवेयरनेस है उसको जनरेट करने में अपना अपना रोल प्ले करेंगे।